और उसके बाद यहाँ से हम कोई एक बॉर्डर ले लेता हूँ, इसका पिक्सल्स का साइज 10% ले लेता हूँ, 10 पिक्सल। ओके करता हूँ, यहाँ पे हमारा बॉर्डर लग चुका है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में आप बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, यानी कि बॉर्डर चाहे किसी भी आप फोटो में हो या किसी भी पेज में हो, आप बॉर्डर आप कैसे लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप बॉर्डर लगाने के लिए आसानी से सीख जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से अपने फाइल में जाता हूँ और एक न्यू का एक साइज पेज लेता हूँ और यहाँ पर मैं कोई एक साइज को ले लेता हूँ, जैसे कि 5.7 का हमने एक साइज ले लिया। और अभी हम इस पेज पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए सिंपल यहाँ पे आपको विंडो में चले जाना है और यहाँ पे लेयर पे चले जाना है और यहाँ पर आपको अपने लेयर पैनल को एक्टिव कर लेना है, यानी कि आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको बॉर्डर लेने के लिए यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट ए न्यू फील लेयर होता है इसका ऑप्शन, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक लेयर आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसी लेयर पे वर्क, जो भी वर्क करेंगे इस लेयर पे आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इमेज में चले जाना है और इमेज में जाने के बाद यहाँ पे साइड में देख सकते हो एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको स्ट्रोक का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन मिलता है, कोई भी एक कलर आप ले सकते हैं जिस कलर का आप बॉर्डर लगाना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे विडिट का यहाँ पे 5 पिक्सल है, तो आप यहाँ पे चाहो तो 50 पिक्सल्स का मैं आपको लेकर के दिखाता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लोकेशन है, सेंटर, आउटसाइड, इनसाइड, तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे इनसाइड पे क्लिक करके रखा हूँ तो हमारा जो अभी बॉर्डर लगेगा वो इनसाइड पे लगेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मुझे मिल रहा है तो यहाँ पर आपको सिंपल नॉर्मल पे रखना है, ठीक है। ओपेसिटी आपको 100% रखना है, ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी कलर का बॉर्डर देना चाहते हो तो उसका रंग कितना परसेंट आप रखना चाहते हो, यानी कि वो 100% पे दिखेगा। हाँ जी हाँ, मुझे 100% पे दिखाना है, यहाँ पे 100% रख देना है। उसके बाद यहाँ पे प्री रिजर्व यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, इसे आप टिक ना करें, ये ऐसे ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगा। अब क्यों नहीं लगा, अब मुझे इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करना है और फिर से आपको एडिट में चले जाना है और यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शन पे चले जाना है, सेम सेटिंग पहले से जो हमने करके रखा है वही आया है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। तो ये होता है बॉर्डर लगाने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम इसे ऑल सेलेक्ट किया था तो ये चारों साइड से सेलेक्ट हुआ था। अभी यहाँ पे हम टूल्स बार में जाएंगे और हम इसे मूव सिलेक्शन टूल्स को सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस प्रकार से बीच में मुझे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एडिट पे चले जाएंगे और स्ट्रोक पे चले जाएंगे और फिर से यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा ये सेंटर में बॉर्डर लग चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप बॉर्डर लगा सकते हो। अभी हम फिलहाल यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एडिट में चले जाएंगे, स्ट्रोक पे चले जाएंगे और यहाँ से कलर हम यहाँ पे कोई दूसरा ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कलर आप देख सकते हो। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से हमारा बॉर्डर लग चुका है। तो कुछ इस प्रकार से बड़े ही आसानी से आप अपने पेज में बॉर्डर लगा सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि फोटोज में बॉर्डर कैसे लगाते हैं। अभी हम इसे यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फोटो को लेकर आता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो हमारे लेयर में यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेयर है क्योंकि ये हमारा जेपीजी इमेज है, तो जेपीजी इमेज में हमारा कुछ इस प्रकार से एक लेयर बनेगा क्योंकि ये जेपीजी लेयर जो होता है वो एक लेयर का होता है। अब यहाँ पे हम इस पे बॉर्डर लगाने का हमें क्या तरीका है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मुझे करना क्या है कि इसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए करना है और कंट्रोल टी करना है और इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अभी हमने इसे छोटा कर लिया है, ठीक है। अगर मुझे इस पेज के चारों साइड लगाना है तो कंट्रोल ए करेंगे, चारों साइड सेलेक्ट हो गया, फिर एडिट पे चले जाएंगे, आपको एडिट पे चले जाना है और स्ट्रोक पे चले जाना है और उसके बाद यहाँ से हम कोई एक बॉर्डर ले लेता हूँ, इसका पिक्सल्स का साइज 10% ले लेता हूँ, 10 पिक्सल। ओके करता हूँ, यहाँ पे हमारा बॉर्डर लग चुका है। अभी यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमारा फोटो है, इस फोटो पे अगर हम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिलहाल इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर से मैं चले जाता हूँ एडिट पे और यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना कोई एक बॉर्डर लगा लेता हूँ किसी कलर का, जैसे कि ब्लू कलर ही, फिर से मैं दोबारा ले रहा हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से भी ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा ये बॉर्डर लग चुका है। अब मुझे इस ऊपर वाले का बॉर्डर मुझे डिलीट करना है, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस कर दिया।
कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से अपने फोटोशॉप में बॉर्डर लगा सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं पर भी सिलेक्ट करके। आप चाहो तो पेज में बॉर्डर लगा सकते हो, आप चाहो तो किसी भी फोटोज में बॉर्डर लगा सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से टिप्स की मदद से आप बड़े ही आसानी से बॉर्डर लगा सकते हो। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आपने अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको कुछ इस प्रकार से वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।